भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आज राम जन्मभूमि विवाद पर निर्णय दिया गया है, हम सभी देशवासियों को उसका स्वागत करना चाहिए। ये देश सांप्रदायिक सद्भाव की नींव पर खड़ा है। सब धर्म सबका सम्मान, सर्वधर्म सम्मान, इसको लेकर ये भारत का संविधान चलता भी है। मैं आज के निर्णय का स्वागत ही नहीं करता, मेरी कांग्रेस पार्टी भी इस निर्णय का स्वागत करती है और आपसी भाईचारा बनाने के लिए, आपसी एकता बनाने के लिए और देश को अखंड बनाने के लिए हम सबको अब देश को मजबूती से मिलकर चलाना होगा। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि स्थान पर ही राम जन्मभूमि का निर्णय करने की बात की है, राम मंदिर बनाने की बात की है, यदि मुस्लिम पक्षकार इसमें अपनी कार सेवा कर भव्य मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं और 5 एकड़ भूमि पर बनने वाली भव्य मस्जिद के अंदर हिंदू पक्षकार के लोग मिलकर उस मस्जिद निर्माण में अपनी कार सेवा प्रस्तुत करते हैं, तो ये देश की एकता को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा। मैं अपनी सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस देश को मजबूती बनाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए पहले भी अपनी कुर्बानी देती रही है। चाहे वो इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानी दी है या राजीव गांधी जी ने अपनी इस कुर्बानी दी है इस देश की एकता अखंडता के लिए। कांग्रेस के वर्कर को एक सजग प्रहरी की तरह इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए आगे आना चाहिए और शांति की अपील करते हुए मैं सभी पक्षकारों से निवेदन करूँगा कि इसको सहृदय स्वीकार कर अब देश के विकास में जुटना चाहिए। धन्यवाद। Thank you.